के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ धारा 354, 506, 509 और धारा 323 के तहत FIR दर्ज कर ली है। स्वाति ने सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में सिर्फ विभव को आरोपी बनाया गया है। स्वाति का कहना है कि उन्हें लातों से मारा गया है, पेट और बॉडी पर भी हमला किया गया। स्वाति ने दिल्ली पुलिस को 4 दिन पहले किए गए PCR कॉल के बारे में भी सिलसिलेवार जानकारी दी है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने बीते दिन यानी गुरुवार को मारपीट, छेड़छाड़ और धमकाने की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। उसके बाद देर रात स्वाति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, जिसके लिए वो करीब 4 घंटे दिल्ली एम्स में रही। करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस स्वाति को लेकर एम्स पहुंची। मेडिकल के बाद रात करीब 3:15 पर दिल्ली पुलिस स्वाति को लेकर एम्स से निकली। इस दौरान स्वाति के साथ DCW की मेंबर वंदना भी दिखाई दी। स्वाति रात 3:30 पर अपने घर पहुंची। स्वाति का करीब 3 घंटे मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें एक्सरे और CT स्कैन किया गया। स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट आज यानी शुक्रवार को आएगी। स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोटें आई हैं। अब जल्द ही उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जाने की तैयारी है। वहीं पुलिस ने विभव कुमार की तलाश तेज कर दी है, उससे भी पूछताछ की जानी है। विभव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी शुक्रवार को तलब किया है। वहीं इस मामले में मालीवाल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना बयान दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ, और जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की और कहा कि मैं दूसरे पक्ष के कहने पर ऐसा कर रही हूँ, भगवान उन्हें भी खुश रखे। आगे उन्होंने कहा कि देश में अहम चुनाव चल रहे हैं और स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। BJP के लोगों से विशेष आग्रह है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। दरअसल 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची स्वाति मालीवाल। उनका CM हाउस की लॉबी में बैठकर इंतजार कर रही थी, तभी अचानक केजरीवाल के OSD विभव कुमार पहुंच गए। आरोप है कि विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की की। मालीवाल ने इस बारे में तुरंत ही पुलिस कॉल की थी। बाद में वो खुद सिविल लाइंस थाने पहुंच गई है।